नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना में बना बिहार का पहला लिफ्ट वाला फुट ओवर ब्रिज। पटना के 6 लेन अटल पथ पर बिहार का पहला लिफ्ट के साथ फुट ओवर ब्रिज का 20 सितंबर को उद्घाटन किया गया। अटल पथ पर बने फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया। अटल पथ पर बने इस फुट ब्रिज में कई सुविधाएं दी गई है, जो कि बिहार में पहली बार देखा जा रहा है। बता दें कि इस फुट ओवर ब्रिज की लागत 3,44,00,000 रुपये है। इस फुट ओवर ब्रिज पर आप दोनों तरफ से आ जा सकते हैं। खासकर इसमें यह भी इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि दिव्यांग और बुजुर्गों को इस लिफ्ट के सहारे फुट ओवर ब्रिज के पार एक दूसरे तरफ भी जा सकते हैं। बता दें कि सामान्य लोगों के लिए सीढ़ी भी तकनीक के रूप में सहूलियत को देखते हुए बनाया गया है। हर 10 सीढ़ी के बाद एक स्टॉप प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ताकि एक साथ ऊपर चढ़ने में परेशानी न हो। बता दें कि इस 6 लेन में आपको पहला फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। आने वाले दिनों में 3 और फुट ओवर ब्रिज पटनावासियों को मिलने वाला है, जिसमें से 2 पर काम लगभग 80% पूरा हो चुका है, जबकि 1 के लिए जमीन अधिग्रहण का काम बाकी है। इस फुट ओवर ब्रिज को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने मुआयने के बाद, यानी कि जब 6 लेन अटल पथ का जो उन्होंने मुआयना किया था, उसके बाद उन्होंने निर्देश दिया था कि जिसके बाद वह फुट ओवर ब्रिज बन गया है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अटल पथ पर 4 फुट ओवर ब्रिज बनाने का निर्देश दिया था। बता दें कि पटना के अटल पथ पर गाड़ियां तेजी से चलती है, इसका एक मुख्य कारण है कि इसमें मोड़ नहीं है। ऐसे में गाड़ियों में रफ्तार ज़्यादा होती है, ऐसे में लोगों को एक तरफ से दूसरे तरफ आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि अटल पथ से सटे कई मोहल्ले, जैसे कि महेश नगर, पुनाईचक, राजीव नगर के लोगों ने 1 महीने पहले ही प्रदर्शन करते हुए यह मांग की थी कि सड़क के आर पार करने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, इसका कोई उपाय किया जाए ताकि लोग दुर्घटना से बच सके। बता दें कि इस फुट ओवर ब्रिज बन जाने के बाद से लोगों को काफी सहूलियत होगी, साथ ही साथ इस फुट ओवर ब्रिज के खुलने से लोग सेल्फी के लिए भी वहां पहुंच रहे हैं। इसके उद्घाटन के समय बोलते हुए बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि अटल पथ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग जेपी गंगा पथ से जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ दीघा एम्स से भी जोड़ दिया जाएगा। शहर के बीचों बीच अटल पथ एक मुख्य सड़क है। हम लोगों ने 3 अंडर पास बनवाया है, हम लोगों ने फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया है, 1 बनकर तैयार है, बाकी 3 दिसंबर के माह तक बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसका मेंटेनेंस का जिम्मेदारी किसी एजेंसी को देंगे। सीएम नीतीश कुमार की इच्छा है कि बिहार के लोग 5 घंटे में किसी भी स्थान से पटना पहुंच जाएं। इसकी तैयारी भी की जा रही है, पूरी योजना बना ली गई है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसी कई सड़कों का निर्माण चल रहा है, सारी योजनाओं का लाभ हम लोगों को केंद्र सरकार से भी मिल रहा है। तो आपको बता दें कि यह पटना में बना सबसे पहला फुट ओवर ब्रिज है, जो कि एक तरह से कह लें कि एक्सलेटर युक्त ओवर ब्रिज है, जो कि बिहार के लिए जो है यह पहला है। और यह जो पहला ओवर ब्रिज बना है, ये जो अटल पथ पे बनाया गया है, जिसमें कि लोगों को आने जाने की सुविधा हो। तो पटना में बना है बिहार का पहला लिफ्ट वाला फुट ओवर ब्रिज। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।